सैन मरिनो सबसे ओल्डेस्ट रिपब्लिक अज्यूम की जाती है। ये छोटा सा सिटी है लेकिन म्यूजियमों की भरमार है। और ये मैं ऑफिशियली एंटर हो गया सैन मरिनो में। तकरीबन डेढ़ घंटे में एक सिरे से दूसरे सिरे पे आ गए हैं। अच्छा, इस जगह से गोएटा टावर का सबसे बेस्ट व्यू नज़र आता है। ये था विचिस पाथ। अच्छा, रिमनी से मैंने टिकट बुक की थी रेल यूरोप, उसके ज़रिए तो एक कनेक्शन है रिमनी से, है ये फाइंसा आई थिंक, ये वाला है फाइंसा, हाँ जी। और फाइंसा से आगे है फ्लोरेंस, तकरीबन कोई 20-25 मिनट का है दरमियान में वो ट्रांजिट टाइम है। तो 6:11 पे मैं पहुँचूँगा फ्लोरेंस। और ये जब मैंने टिकट बुक की थी तो मुझे पड़ी थी तकरीबन कोई 14 यूरो की। बाकी ये मैंने खुद से सिलेक्ट की थी टाइम बेस, क्योंकि इससे कुछ पहले जो आ रही थी और उसके बाद वाला टाइम भी था वो तकरीबन कोई 70 यूरो के करीब थी, और उसमें ये था कि वो फास्ट थी, वो तकरीबन ज़रा जल्दी पहुंच रही थी, ये थोड़ा सा लेट कर रही थी, वो डायरेक्ट थी। लेकिन मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं था पड़ रहा, और जो इनकी प्राइस थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था, इसलिए मैं इसके ऊपर गया हूँ। हाँ जी, फाइंसा पहुँच गए हैं, अब है हमारी एक नंबर के ऊपर। फ्लोरेंस बस पहुंचने वाले हैं हम। पैलेस इट्स अ म्यूजियम टाइप, इज अ म्यूजियम विद ऑफिजी, यस ऑफिजी, बट ऑफिजी आई थिंक स्किप द लाइन और लॉन्ग क्यू। यस सिनोरिया, CSIG, यस यस। It's something like a long. It's a very red colors building. There is also the David Michelangelo. Okay, thank you. You're welcome. My name is Mohammed Rashid, and मैं और जैसिका जो है ना, जैसिका ने मुझे काफ़ी ज़्यादा टिप्स वगैरह दिए हैं फ्लोरेंस के बारे में, कि एक या दो दिन में आप फ्लोरेंस को क्या विजिट कर सकते हैं। सो जैसिका, थैंक यू। ओके, इसका स्टेशन था सेट्यूज स्टेशन SM नोवेला, और मैं यहाँ पे हल्की हल्की बारिश। इस दफ़ा जो है ना, मैंने अपने सारे हॉस्टल जो हैं वो लोकेशन देख के लिए हैं कि ट्रेन स्टेशन बस स्टेशन के करीब हों। अब ये भी 5 मिनट के फासले पे है। मेरे हॉस्टल का नाम है डांस फ्लोरेंस डांस। See? Hello. Hello. Come. Ah, you are Hafsif. Yeah. How are you, man? हॉस्टल से चेक आउट होने के बाद अभी भी हमारे पास 2-1 घंटे हैं। हम फ्लोरेंस की चंद एक अट्रैक्शंस जो है ना, उनको देखने के लिए जा रहे हैं। आइए। वो सामने हमें नज़र आ रहा है डूमो, और डूमो के साथ ही है सेंट लोरेंजो। सैन लोरेंजो जो है ना, फ्लोरेंस के जो बहुत बड़े चर्चेज हैं उनमें शुमार होता है, और इस चर्च के अंदर जो जो इसकी रूलिंग फैमिली थी ना, मेडिकी, अपने जब पीक पे था, तो मोस्टली उसके मेंबर्स यहाँ पे इसके अंदर दफन है। चलें जी, फ्लोरेंस की सबसे बड़ी अट्रैक्शन की तरफ हम आ गए, प्याज़ा डेल डूमो। इसके अंदर मेन 3 अट्रैक्शंस हैं। सबसे पहले बैप्टिस्ट्री है, उसके बाद पीछे की तरफ है कैथेड्रल सांता मारिया डेल फ्रियो, कपूला भी इसी के साथ है,
और पीछे है ग्योटोस टावर। इन तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा भी बताता हूँ। सांता मारिया डेल रियो, इसकी बुनियाद 7वीं सदी का एक चर्च था, रेपराटा चर्च, उसके ऊपर इसकी बुनियाद रखी गई थी। और ये अगर एक चूज़ करना हो फ्लोरेंस की अट्रैक्शन तो उसमें यही आता है। और इसके साथ ग्योटोस टावर है जिसके कुछ 400 स्टेप हैं, आप इसके ऊपर चढ़ के पैनोरामा का व्यू देख सकते हैं। तक जो है ना बैप्टिस्ट्री के दरवाजे जो थे वो एक्चुअल थे इसी तरह ही। अब ये उसके बाद उन्होंने इनको म्यूजियम के अंदर रख दिया है और ये जो है ना इनके रेप्लिकास करके सेम ही यहाँ पे कर दिए। अच्छा, कैथेड्रल के सामने ये अप्राश देखिएगा। कैथेड्रल में दाखिला जो होता है वो फ्री होता है, तो इस वजह से यहाँ पे चांस आना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। ये कपूला का पिछली तरफ वाला बहुत बड़ा है। हमें नहीं जाने देगी अंदर। जी हमने एकेडमिया से ली बस नंबर 23 और यहाँ पे आ गए बोबली गार्डन की तरफ। यहाँ से हमें 10 मिनट ऊपर चढ़ना पड़ेगा और वहाँ से हम फ्लोरेंस शहर का एक व्यू लेते हैं। हाँ, मुझे गलती लग गई थी, बेबुली गार्डन अभी नहीं जा रहा, पिज़ाले माइकल एंजेलो। एक और चढ़ाई। यहाँ से कुछ और सीढ़ियाँ ऊपर, व्यू तो बेहतर होते जा रहे हैं हमारे ऊपर जाते जाते। काफ़ी हद तक आगे वहाँ तक जाना है। चलें जी, पहुँच गए। पहले तो ये दिखता किस तरह का है, यहाँ पे भी डेविड का स्टैचू और ये है जी हम। अच्छा जी, इसमें मेरे पीछे ये पोंटे वेशियो, उसके पीछे 3-4 और ब्रिज हैं। यहाँ पे वो नज़र आ रहा है सिवोरिया और उस तरफ आ रहा है कैडोमो कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से सारा बेस्ट व्यू यहाँ से नज़र आता है। अच्छा, मैंने कहा प्याजा सिनहोरिया से आपको दिन के वक्त भी एक दफ़ा मैं गुजर रहा था, तो मैंने कहा जाते जाते आपको दिखा दिया जाए। Thank you.
इसकी कुछ जो है ना वो खुली हैं गैलरीज और कुछ टिकट्स के साथ हैं। ये हम नेपच्यून के फाउंटेन के पीछे और यार क्या ही ये कमाल का फाउंटेन है। और बहुत ज़्यादा तो इसके अंदर जो है ना इसके आउटलेट हैं छोटे बड़े। यहाँ मुख्तलिफ शॉप्स जो है ना ये आइसक्रीम की शॉप थी और उसके ऊपर कोई 200 बंदा उसकी लाइन लगी हुई है और इससे बड़ी लाइनें भी हमने पिछली जगह पे देखी थी कुछ बर्गर्स वाली और कुछ ये है। जो फूडी लवर है ना वो तो मार करके आते हैं ना कि ये वाली जगह खाने के लिए ज़्यादा मशहूर है तो इसको हमने जो है ना चक्कर लगाना है। अच्छा जी अर्ली डिनर के बाद अभी भी टाइम था तो मैंने कहा कि जी जाया जाए प्लाजो पब्लिको जिसमें एक लाइवली प्लेस होती है वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। डूमो के साथ से ही हमें गुजर के जाना पड़ रहा है। ये मैंने कहा पोंटे विशियो के रास्ते में प्लाजा रिपब्लिको प्लाजा रिपब्लिको में आर्क ये एक मॉन्यूमेंट है और अच्छा इस वक्त हम हैं खड़े पोर्सलिनो फाउंटेन। इसमें ये है कि आप इसके मुंह में जानवर के मुंह में एक सिक्का रखते हैं अगर वो सिक्का इसके अंदर गिर जाए तो आप कामयाब हो जाते हैं पर अगर वो नहीं गिरे तो फिर ये खुशकिस्मती की तीसरा ये है। सिर्फ फ्लोरेंस जो है ना उसका सिटी सेंटर वो इतना कॉम्पैक्ट है कि आपको हर दो कदम के फासले के बाद कोई नई अट्रैक्शन आ जाती है और आप बड़ी जल्दी अगर उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं लेकिन उसमें अट्रैक्शंस भी अनगिनत हैं। हम सिर्फ पोंटे वेशियो की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में बेशुमार चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनो फाउंटेन से मैं जस्ट आगे आया हूँ सिर्फ गिन के 5 कदम होंगे तो मुझे प्लाजा सिनोरिया वो मेरे सामने आ गया। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं था आना चाह रहा खुद से अभी।
ये मेरे पीछे था हरकुलस और उसने पकड़ा हुआ था काकुस को, फिर यहाँ पे ये डेविड, और आगे नेपच्यून का जो है ना फाउंटेन। कोसिमो ये कोई रूलर था, उसका भी है यहाँ पे, घोड़े के ऊपर सवार है। इस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ, ये पुल है पोंटे पुल वेशियो, और ये पुल रियाल्टो ब्रिज की तरह एक किसकी भी फैसिनेशन है। अब ये दोनों तरफ दुकानें हैं और हम पुल के ऊपर चल रहे हैं। एक वक्त में यहाँ पे बुचर शॉप और दूसरी बेशुमार दुकानें थी, और फिर उस वक़्त किंग ने ये फैसला किया कि यहाँ से जो भी उसके एम्बेसडर वगैरह आते थे तो उनके ऊपर एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं था पड़ता, तो सारी की सारी यहाँ पे ज्वेलर्स की शॉप उसने बना दी। अब इस पुलर के ऊपर सारी की सारी ज्वेलर्स की शॉप हैं, जिसमें आपके यहाँ पर रास्ता ओपन होगा, और अगर थोड़े से फासले पे जाके इसको देखें तो इसका व्यू जो है ना छता हुआ पुल। थोड़ा सा आगे चलते हैं जिससे थोड़ा सा व्यू जो है ना पुल का बेहतर आता है, और फिर अपने हॉस्टल में चलते हैं। और कल जब पिस्सा से होके आएंगे ना सुबह, तो एक दफ़ा फिर इस तरफ का चक्कर लगाएंगे। चलें जी, आज के दिन का इख्तिताम करते हैं और अपने हॉस्टल में चलते हैं। कल का भी एक काफ़ी लंबा दिन है, तो इंशाल्लाह सुबह फिर मुलाकात होगी।